कि कोविड में जिस तरीके से नवाब भाई और प्रफुल्ल भाई ने काम किया उसकी सराहना गोंदिया जिले में और पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, और उन्हीं की वजह से आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, अदानी का ऑक्सीजन प्लांट और ये सारी चीजों की व्यवस्था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पालक मंत्री नवाब भाई बनने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों के काम की गति बढ़ी है। यहाँ पर रोजाना हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सभी पदाधिकारी इस कार्यालय में बैठते हैं। हर पदाधिकारी रोटेशन में आता है, 2 घंटे 3 घंटे करीब करीब सभी की यहाँ मुलाकात होती है और जितने काम होने की संभावना है उस पर भी कार्य किया जाता है। दूसरी बात जो सबके मन में बड़ा गंभीर प्रश्न है कि सेंटर और खुलने चाहिए, कई आवेदन नए खरीदी केंद्र होना चाहिए, इसके बारे में जो निवेदन दिए गए हैं उस पर भी जिलाधिकारी कार्यालय में चर्चा हो गई। मुंबई जाकर उस यादी पर निर्णय करके उसका भी निर्णय माननीय पालक मंत्री श्री गर्दी शीघ्र देने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर आवेदन हमें प्राप्त है। उसी के साथ साथ एक हमारी सरकार के माध्यम से गोंदिया जिले में शिव भोजन केंद्र के माध्यम से भी बहुत बड़ी राहत सामान्य नागरिकों को हमने पहुंचाने की कोशिश की है। माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, नवाब मलिक साहब की रिकमेंडेशन और भुजबल साहब ने गोंदिया जिले में बहुत सारे केंद्र मंजूर किए हैं, जिसकी वजह से सामान्य नागरिक को हमने मदद पहुंचाने की कोशिश की है। ये भी शिव भोजन में एक बहुत बड़ा काम है जिससे लोगों को मदद मिली है। कोविड के समय उसका उल्लेख करना इसलिए मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए कि कोविड में जिस तरीके से नवाब भाई और प्रफुल्ल भाई ने काम किया उसकी सराहना गोंदिया जिले में और पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, और उन्हीं की वजह से आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, अदानी का ऑक्सीजन प्लांट और ये सारी चीजों की व्यवस्था हो पाई। राष्ट्रवाद या शब्दाला फार चर्चा आपण ठीक ठिकाणी करतो। भाजपचे लोक राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी या कुठेतरी आम्ही राष्ट्रवादी आहोत हे बोलत राहताय। कार्यकर्त्यांना कळलं पाहिजे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रवाद आणि भाजपच्या राष्ट्रवाद याच्यात काय होतं। आमच्या राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष समाजवादी भारत लोकतांत्रिक भारत हा आमच्या राष्ट्रवाद आहे, आणि भाजपच्या राष्ट्रवाद म्हणजे हिंदू राष्ट्र निर्माण करणे आणि त्या राष्ट्रवादाच्या माध्यमातून मानववादी व्यवस्था या देशामध्ये वन व्यवस्था निर्माण करणे हे त्यांच्या अंतिम गोल आहे। म्हणजे आमच्या राष्ट्रवाद आणि त्यांच्या राष्ट्रवाद काय हे पहिले कळलं पाहिजे। समतामूलक समाज निर्माण करण्याची आमची विचारधारा, त्याच्या वर्ण व्यवस्थेच्या आधारावर एक विशेष वर्गाला अधिकार देण्याची विचारधारा, हे दोन्ही पक्षाच्या राष्ट्रवादामध्ये अंतर हे सर्वप्रथम आपण सर्वांनी त्याच्या बाबतीत आपल्या मनात जी काही शंका असतील ते दूर केली। दिवाली का खास तोहफा सहारनपुर का खास फर्नीचर आपके अपने गोंदिया शहर में, लकड़ी की बनी खास फर्नीचर जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा खास नजराना गोंदिया शहर में, आकर्षक सोफे साथ ही एंटीक नक्शाकारी, बेहतरीन काउच, आलीशान झोले साथ ही लकड़ी के बने आकर्षक गमले, गोंदिया शहर में पहली बार। सहारनपुर फर्नीचर, गुरु नानक स्कूल प्रांगण, गोंदिया। मोबाइल नंबर 999725 2304।